बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिक़ नाज़रीन कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम से होंगे। आज हम बहुत प्यारा आपको डिज़ाइन बनाएंगे, आपको बनाकर बताएंगे कितना प्यारा खूबसूरत। बाजू पर आपको ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने ले लिया है एक पीस गले का, स्टिफ का लिया है, 5 इंच की चढ़ाई रखी चढ़ाई है। अब हम इसका एक छोटा सा कुंडल बनाएंगे, बहुत प्यारा सा इसका शेप बनेगी। ये आप देख ही लेना आगे वीडियो के जाकर, आगे कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार होगा। ये आप कमीज़ के घेरे पर भी बना सकते हैं, जैसे ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, गले पर भी ये बन जाता है जी। ये मैं आज बाजू के ऊपर ये आधा बनाऊंगी, इंची ठीक हमने है। ले ली है, ये आधा इंच अब हमने हम लिया है, इसके निशान लगाएंगे आधा आधा इंची बाहर से। बाहर से हम निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको हमने मज़ीद कोई निशान वीडियो लगा लेने देखनी है, चारों तरफ फैशनेबल से। क्लोथिंग मेरे चैनल का नाम है, अब उधर जाकर देख सकते हैं। आपको रंग की वीडियो मिल जाएगी, यात्रा की मेरी वीडियो मिलेगी। ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा। उम्मीद करती हूँ ये जैसे तैयार होगा आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने निशान लगा लिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो आधा आधा इंची हमने रखा है, बीच से हमने 2 इंची रखे हैं, लंबाई इसकी 4.5 इंची है। पहले हमें बाहर से कटिंग करेंगे इसकी, फिर अंदर से करेंगे। जिस ये एक बात ध्यान में रखना है, जैसा हमने निशान लगाए इसके, जी आपको ये स्टिफ छोटी लगती है आप थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं। मैंने तो ले लिया है, मेरे तो कम, मैंने तो कहा बन जाएगा। आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है आप थोड़ी सी स्टिप बड़ी कर लें, इसको चौड़ाई में ज़्यादा कर लें, 10 इंची ले लें, 7 इंच ले लें, 8 इंच ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये छोटा सा हमने टाक लगाया है, अब हम इसकी सेंटर से कटाई करेंगे। पहले हमने बाहर से की थी, अब हम सेंटर से करेंगे इसके। जहाँ से हमने निशान लगाया था, हम उसके ऊपर ऊपर से कटाई कर रहे हैं, उस निशान के ऊपर ऊपर इसे, क्योंकि जो हमने नीचे किया तो वो कहीं से बड़ा हो जाएगा, कहीं से छोटा हो जाएगा, जो हमने ऊपर किया तो बाहर की तरफ से छोटा हो जाएगा। अब मैंने जहाँ आधा इंची निशान लगाया, आप 1 इंची पर भी लगा सकते हैं निशान, जो आपको छोटा लगता है आप बड़ा भी कर सकते हैं इसे। इसकी थोड़ी सी अभी यहाँ से कटाई करने वाली है, अब हम इसका ठीक हो गया, ठीक है। ये इसलिए बार बार मैं काट रही हूँ आपको, जो जहाँ से भी आपको दिखे, ये एक गुट ऊपर होगी, एक छोटी होगी, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ये हमने अपना बाजू ले लिया है, जिसके ऊपर हमने इसको प्रेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में। ये जो से हमने पट्टी नीचे लगी हुई है हमारे डबल कपड़े की, वो हम इसके ऊपर ही रहने देंगे।
बिल्कुल ही बिल्कुल, ये हमने सेंटर पर आकर हम इसको प्रेस कर लिया है। ये प्रेस हो चुका है। अब हम फिर एक पीस लेंगे, इसके ऊपर रखकर इसको सिलाई लगाएंगे। ये इतना बहुत कपड़ा है, ये अच्छा लगा है, मैं इसके हिसाब से लिया। आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, कटिंग से कटिंग करेंगे तो निकल जाएगा, इसके बीच से फालतू कपड़े का कोई नहीं होता। क्यों मैंने जो सा नीचे का लगाया बिल्कुल बराबर से लगाया है, बिल्कुल पूरा पूरा कपड़ा लगाया है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो से हम सिलाई लगा रहे हैं वो पेपर पट्टी पर नहीं आनी चाहिए, उसके साथ साथ किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। क्यों ये हमने पेपर पट्टी पर निशान सिलाई लगा ली, जो से हमने इसकी नोक बनाई है, इसकी शेप बन रही है, वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। ये हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे, हमारे लिए ये बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा, बहुत तैयार हो, अच्छे से तैयार होगा। ये हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए दोनों तरफ से हम देख सकते हैं मेरे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब छोटा सा टक लगाएंगे इसके बीच, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हम बिल्कुल आधे इंच से हम कम कपड़ा रखेंगे इसके अंदर। अब हम हल्के के से इसके टक लगा लेंगे, ये हमारी कटिंग हो चुकी है, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये छोटे छोटे से हम टक लगाएंगे इसको, छोटे छोटे टक ऊपर लगा रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के से। स्टिप पर जोन सी हमने स्टिप लगाई है, इसको ऊपर हम टक नहीं लगाएंगे, क्यों फिर जोन सी हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर भी टक लग जाएंगे, इसलिए ये ध्यान हमने ध्यान से ये करना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के से जहाँ से गिलाई है यहाँ से करेंगे हम। एक बात और, जो से हमने स्टिफ ये हमने स्टिफ का लगाया था, जो से कपड़ा है वो हमने सीधी साइड पर रखा था, अब हम इसे सीधा कर रहे हैं, वो कपड़ा उल्टी साइड पर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया है। स्टिफ हमने प्रेस किया था, जो सा डिज़ाइन तैयार करें वो भी हमने उल्टी साइड पर ही किया था, इसलिए ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। अब हम इसे प्रेस करते हैं, ये अब हमने प्रेस कर लिया, जो सा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग कर ली है। दोनों तरफ से हमने जो सी तरफ से भी हमें गुठ नज़र आती है, कोना नज़र आता है, वो हम निकालेंगे इसका, इसे हल्का सा गलाई में लाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन है, ये अभी देख हमने प्रेस किया, ये कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है, अभी तैयार नहीं हुआ, इसके अंदर हमने डिज़ाइन करना है। ये हमने एक पेपर ले लिया है, इसको नीचे रख लिए, इसके ऊपर हम मार्क्स करेंगे, पेंसिल से निशान लगा लो आप जितना ये होगा, उसके ऊपर हम डिज़ाइन बना लेंगे पेपर के ऊपर।
ये देखें, ये मैं डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अंदर लीकें मार लेंगे छोटे छोटे से, जितना जितना हमारा निशान लगते हैं हम उतने उतने लगा लेंगे। ये हमने जो सा निशान बनाया है, डिज़ाइन बनाया था, उसके ऊपर हमने डब्बे ये बना लेंगे। डब्बे के ऊपर हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है, इसके ऊपर हम डिज़ाइन दूसरा तैयार करेंगे। आधा इंची से, आधा इंची हमने कपड़ा लिया है ये जो सा डिज़ाइन तैयार करना था। ये आप चाहें तो पहले भी प्रेस कर कर रख सकते हैं, इसके ऊपर पहले भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर पहले सिलाई नहीं लगा कर रखी, ये इस तरह डबल सिलाई बन जाती है। ये मैं इसलिए इको सिलाई से कर रही हूँ, मेरी सिंगल सिलाई अच्छे से सफाई से साथ तैयार हो। पहले सिलाई लगा कर रखती तो फिर ये इसके ऊपर डबल सिलाई आ जाती। मैंने इसलिए इसके पेपर के ऊपर ही रखकर सिलाई लगाऊंगी, डिज़ाइन तैयार करूंगी। मेरी एक सिलाई रहे, मेरा डिज़ाइन भी तैयार हो जाए। जितने जितने हमारे ये हमने डिज़ाइन तैयार करना था, 3-3 इंची की, 2-2 इंची की, 4-4 इंची की, ये मैं हमने पीस एक स्त्री से प्रेस कर कर इसको फिर हमने कटिंग कर ली थी, सिलाई नहीं लगाई। इसके ऊपर आकर हम सिलाई लगा लेंगे। इस हिसाब से देख ले, हम नाप भी रहे हैं आपके सामने, मैंने नापा है इसलिए जितना हमारा डिज़ाइन तैयार था उतने हिसाब से हमने कटिंग कर ली इसकी। इसी तरह हम सब लगा लेंगे। जितना जितना हमारा डिजाइन था इतना ही हमने रखे, थोड़ा सा अब इसे एक्स्ट्रा कर लें, आधा आधा इंची फालतू कर लें, ये अच्छा होगा। जैसे हम डिज़ाइन तैयार करेंगे वो जो सा भी कपड़ा था वो अंदर की तरफ आ जाए, ये अच्छा तैयार होगा। जितना हमने नाप लिया है इसका वो उतने हिसाब से रहेगा। ये देखते ऐसे लग रहा है जैसे नहीं, ठीक है। जैसे हमने इसके ऊपर डिज़ाइन जो सा तैयार के ऊपर रखना है, फिर इसकी बहुत प्यारी शेप बनेगी। ये मैं ने दूसरी तरह किया था, इसके ऊपर दो दो सिलाई आनी थी, ये सिर्फ एक एक सिलाई। अब हम किनारे की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये थोड़ी सी मुश्किल है इसीलिए आपको ये लग रही है। इसके ऊपर पेपर भी है, पेपर के ऊपर सिलाई थोड़ी सी कम लगती है। ये थोड़ा सा लंबा बखिया आपने रख लेना है, टाँका इतना बारीक नहीं रखना। ये कहीं से भी प्रॉब्लम बने तो आप वो सिलाई दे रहे तो आपको मुश्किल लगे, थोड़ा सा लंबा आपने बखिया रख लेना इसके टाँका। इसलिए दोनों ज़बानों में मैं बता रही हूँ आपको, लंबा बखिया भी कोई कहता है, कोई लंबी सिलाई लंबा टाँका भी कहता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ये आसानी हो जाए।
कहीं भी वैसे मुश्किल आए पेपर है नीचे, तो जितना थोड़ा सा लंबा सिलाई टांका रखते हैं उससे ज़्यादा ये सिलाई ब्रीक ही आती है, क्योंकि इसके नीचे पेपर है। देखिए ज़्यादा बखिया लंबा हो तो इसके ऊपर चुंटी आ जाती हैं, इसके ऊपर कोई चुंट नहीं आई, ये वैसे ही जा रही है। ये मेरी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। डिज़ाइन तो बहुत प्यारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी पेपर को उतारेंगे। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखें ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये हमने 4 इंच की चढ़ाई ली है इसकी, जितना हमारा बाजू उसके हिसाब से हम इसकी लंबाई लेंगे, इसको डबल कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा हमने मार्क्स अंदर की तरफ फोल्ड कर जो से हमने सिलाई लगाई उसको अंदर की तरफ करना है, बाहर से हमारी सिलाई से ना दिखे। जो सा कपड़ा हमने 4 इंच ऐड किया उसको ऊपर ये 3.5 इंच रह जाएगा, आधा इंच से कम लेकर हमने अंदर की तरफ इसको मोड़ लिया है। जो से सिलाई ली थी वो भी अंदर कर कर ऊपर हमने इसके सिलाई लगा दी है। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। जो सा इसका सेंटर है वहाँ से हम लेंगे, इसके ऊपर बटन लगाएंगे एक। ये बड़ी बड़ी हम टांके लगा रहे हैं इसके इसके ऊपर, इस जैसे हम इकट्ठा करें इसकी चुंटे बांध दें, चुंटों के ऊपर एक बटन लगाएंगे। आप चाहें तो कपड़े का भी लगा सकते हैं, चाहें कोई भी बटन लगा लें जो से आपके कपड़े के साथ मिलता जुलता हो। माशाल्लाह उधर से तो बटन मिल जाते हैं, बनवा लीजिए कपड़े के इधर से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर जो से हमारे कपड़े के साथ सूट करता है हम वो लगाएंगे। ये गोल्डन कलर का सब्ज कलर का बीच मोती लगा हुआ है इसके साथ, जो कपड़े के साथ हमारा मिलता जुलता है। बटन हमारा लग चुका है, ये थोड़ा सा हम पक्का कर रहे हैं उतर ना जाए। अल्फी से भी लगा ली गया, अल्फी से जो से लगाए हम धोते हैं फिर उतर जाता है, एक दफ़ा हमने इसी के साथ लगा लिए। ये हमने मोती लिए, ये सब के ऊपर हम एक एक लगाएंगे, जो से हमारे डबल बना हुए शेड इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमें सब के ऊपर मोती लगाने हैं। ये लग चुके हैं मोती, देखो कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपको मज़ीद कोई वीडियो देखनी हो फैशन लेबर क्लोथी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।